कहना चाहेंगे आप? आई एम प्लेइंग एज माया एज यू नो, और इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. शी इज़ अ ड्रग एडिक्ट, सो जो कि नॉर्मली इंडस्ट्री में होता है, लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं, सो वो मेरा कैरेक्टर है. लेकिन इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शेड्स हैं एंड आई लव दिस कैरेक्टर. मेरा कैरेक्टर नाम का कैरेक्टर का नाम सिम है और सिम भी एक ड्रग एडिक्ट है इसमें. एंड आई लव्ड वर्किंग विद राम राजा सर, एंडी सर एंड माया. थैंक यू. ये इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी है माया जी, इनका नाम अपर्णा प्रांती, इन्हीं ने फिल्म प्रोड्यूस करी. तो एज एन एक्टर भी आपने प्ले किया है, एज ए प्रोड्यूसर, तो कितने चैलेंजेस थे एज ए प्रोड्यूसर और कौन सा जॉब सबसे ज्यादा इजी लगा? ओके, सब कैसे दिमाग में आया कि ये वाला सब्जेक्ट के ऊपर पिक्चर बनानी है करके? ये तो राम राजा का सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है प्रभावशाली लिखा है और बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले भी हुआ है. डायरेक्शन एवरीथिंग इज गुड. सो एज एन एक्टर मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, मतलब वेरिएशन जो एक्टिंग में होती है मुझे बड़ा पसंद है. एज अ प्रोड्यूसर डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, सो ऐसे कंपेयर नहीं किया जा सकता. कैसे मैनेज किया आपने? हो जाता है, जिंदगी है, सब चलता है. ओके, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग? माय एक्सपीरियंस वाज रियली गुड बिकॉज आई हैव डन बिफोर, आई हैव डन टीवी सीरियल्स, तो मेरे लिए पहली वेब सीरीज थी एंड दैट टू इवन ड्रग एडिक्ट, सो इट वाज नॉट दैट इजी, बट या इट वाज अ चैलेंज एंड आई एंजॉयड. अपना जैसे मैंने कहा कि बोल्ड सीन्स भी है, तो उसको लेके कितने कंफर्टेबल थे आप लोग, और अगर उस बारे में कुछ बताएं? कंफर्टेबल, आई वाज कंफर्टेबल बिकॉज जो एटमॉस्फेयर था बहुत अच्छा था, फैमिली जैसा था, सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल. एंड हमारे डायरेक्टर जब भी ऐसे कोई सीन्स होते थे तो ज्यादा किसी को रखते नहीं थे वहां पे सेट पे. व्हाट अबाउट यू? आई एम विद हर. ओके, एंड सेट का ऐसा कोई, ऐसा सेट पे किस तरह का माहौल रहता था, क्योंकि बहुत सारी लेडीज देखी मैंने फ्रेम में, किस तरह का माहौल रहता था अगर उस बारे में कुछ बताया? सेट पे फ्रेंडली माहौल होता था क्योंकि सी वी हैव टू परफॉर्म. ठीक है, वो बोल्ड है, वो नॉर्मल डायलॉग्स भी है, वी हैव टू परफॉर्म, तो उसके लिए योर वेदर शुड बी फ्रेंडली कि हाँ आई शुड नॉट फील एंशियस, मैं फ्रेंडली हूँ, आई एम लाइक मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, दैट दैट आई कैन परफॉर्म विद. कितने एपिसोड्स होंगे और कौन से? दिस इज अ वेब मूवी, ये इसमें एपिसोड्स नहीं रहेंगे. ओके, 1 आवर ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स की ये मूवी है. ओके, एंड कौन से प्लेटफॉर्म को टारगेट करें आप लोग और कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाले? एमएक्स प्लेयर पे. ओके, एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ पूछना? डन, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म. आई टर्न बैक टू यू. वेल, थैंक यू वेरी मच. आई एम एंडी अरोरा, मिस्टर राम राजा द्विवेदी. Well, my meeting with Ram Raja Dwivedi in Amsterdam was a break event for me. When I met him, he proposed me a movie. He said that yes, character, that yes, you can do it. I said it's my pleasure, but I don't know whether I shall be able to do it or not, because I had been a stage artist, but coming in movie is something different. But he was so confident. He was so confident that I could not stop myself and I had to come to Bombay. When I came to Bombay, I was really feeling whether I shall be able to perform or not. But then, I am thankful to my producer, Aparna Paranjape, who really motivated me. And she is my inspiration. And when I was sometimes feeling nervous or something like that, she was telling me, you can do it, try. And I tell you, once or twice she guided me and that became a boon for me. She is a wonder girl and whatever she told me, I started following it and then I could do it also. And Mr. Ram Raja Dwivedi is a magician. Magician in the sense, he is a person who is a very soft-hearted person, but a very hard director. You know, if you are performing and you are not performing well, or you have to do second time, he will never excuse you. No. He will fire like anything. This is a lie. He will fire like anything. And then he is like a ringmaster. When ringmaster, you know,
even the lion follows him. So we followed, and he took out all the best out of us. I say us because yes, he was conducting the direction, and a wonderful director, and I wish him also all the best. Thank you. He is the one person who is a masterpiece director. I had kept his name once. Can I tell? Please go ahead. I told him, only a perfect director can do this thing, who has seen the world at large, and he understands even the minutest thing which is there. But then, I kept his name Barbad. I said, you give your title as a director, Raja Barbad. But you know, Barbad is the one name which cannot be given. It was just a joke. But fantastic person. Right. Sir, what do you want to say about it? Itne saari tareef. It has been a lovely journey, Arora sahab. Ye pura addiction parivar ki ek badi achhi journey rahi hai. जब हम लोग शूट करते थे कहीं से ये नहीं लगता था कि हम लोग शूट कर रहे हैं. आप समझें कि इसमें लड़कियों, छह लड़कियों के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे, प्रोड्यूसर खुद एक फीमेल थी. तो बहुत ज़रूरी था कि आज का टाइम रखते हुए भी कंफर्टेबल रखा जाए. तो बड़ा अच्छा माहौल था. सर, इसके अलावा जब आपने पहली बार अपर्णा जी को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया तो क्या रिएक्शन था उनका, और उनका रिएक्शन यही था, माया वाला कैरेक्टर मैं करूंगी. जैसे मैंने आगे भी पूछा था कि बहुत सारे बोल्ड सीन्स हैं, तो वो बोल्ड सीन्स नहीं है, लैंग्वेज बोल्ड है, एटीट्यूड बोल्ड है, कोई बोल्ड सीन नहीं. Okay. और कैसा एक्सपीरियंस रहा, जैसे आपने कहा कि छह छह लड़कियां थी ऑन सेट, एज अ डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था क्योंकि आप कैप्टन ऑफ द शिप भी थे? और चैलेंज तो देखिए, लड़के हो चैलेंज तो सेम रहता है, उसमें कोई वो नहीं है कि ये किसी भी मेक बिलीव आर्ट को हम कुछ कागज पे लिखते हैं, उसको ऑडियंस के सामने लाते हैं, तो वो चैलेंजेस वो सेम रहते हैं, कोई फर्क नहीं. Okay. कोई फर्क नहीं. और अगर टाइटल के बारे में बात करें, एडिक्शन, तो उसके बारे में बताइए, कौन किसने सजेस्ट किया था, अगर उस बारे में कुछ बता पाया? जी, ये टाइटल एक्चुअली तीन चार चीजों से मिलके बना था. ये कहानी अलग अलग सब प्लॉट पे थी, पहले वैसे बनाई गई, सब मिलके लगा ये क्या है, लत ही तो लगी है. अच्छा, ये नाम के बाद कंपनी का नाम रखा गया है कि पहले कंपनी का नाम था फिर टाइटल है? Overdose. इनकी कंपनी थी ओवरडोज नाम से पहले से. उसके हिसाब से नहीं, ओवरडोज पहले थी, एडिक्शन बाद में आई. मतलब कॉन्सेप्ट और नहीं, नहीं नहीं, हम लोगों के मिलने से पहले मैं कहानी बना चुका था ये ओवरडोज में थे. सर, इसमें कोई बॉलीवुड की कोई ग्लिम्स दिखेगी? जैसे बॉलीवुड में भी अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे, बहुत सारे लोगों को बर्न भी किया गया. बहुत. जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है माया का, जो अपर्णा जी ने प्ले किया है, वो सेंट्रल कैरेक्टर ही एक ऐसी हीरोइन का है जो एक बार पीक पे पहुंच के डाउन हो चुकी है. नाउ शी इज कम्प्लीटली इनटू ड्रग्स, इंडस्ट्री उसे भूल चुकी है, और वापस से वो सिर्फ खुद को ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो वापस से इस इंडस्ट्री और इस शहर को जीत सकती है. और ड्रग्स और ये सब चीजों के बारे में बात की गई है, क्या कोई मैसेज देगी फिल्म ड्रग एडिक्शन को लेके? एडिक्शन गलत है, किसी भी चीज का एडिक्शन गलत है, ये मैसेज तो रहेगा. लत है, गलती है. बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग्स वगैरह आपने सब चीजें दिखाई है, कहीं ना कहीं कोई डर भी है कि कोई ऑब्जेक्शन हो जाए या किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, क्या लगता है आपको? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगता. हाँ, ये बॉलीवुड वाले तो नहीं, आजकल कंट्रोवर्सी वो अपने नारकोटिक्स वाले ज्यादा करते हैं. बॉलीवुड वाले तो बेचारे सब सीधे लोग हैं. क्योंकि बॉलीवुड में वैसे भी बायकॉट ट्रेंड चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या रवैया रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बॉलीवुड बहुत ही मुझे ऐसा लगता है, पूरी दुनिया में अगर कोई प्रोफेशन और इंडस्ट्री सबसे अच्छी है तो वो हमारी इंडस्ट्री है. यहाँ ना जात पात, धर्म, मजहब, किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है. आपका काम बोलता है, अगर आपने काम अच्छा किया, और जज ऑडियंस है सामने. सभी एक्टर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, जैसे एंडीसन ने किया? लाजवाब, सब ने अपना बेहतरीन से बेहतरीन किया. एंडी सर ने अपना सबसे अच्छा किया. अब ये दोबारा ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी सबके कैरेक्टर काफी बोल्ड, डायलॉग काफी दमदार. हाँ सर, कैरेक्टर बोल्ड हैं, डायलॉग्स दमदार हैं, क्योंकि सब अपनी जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे हैं, सारे कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे हैं
कि उनकी सिचुएशन करो या मरो की है, तो सारे सारे कैरेक्टर्स बहुत बोल्ड हैं। फिल्म की रिलीज का क्या प्लान है सर, कब तक देखने को मिलेगी ऑडियंस को? सर अगले महीने ये मोस्ट ऑफ दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे होगी, एक दो को छोड़ के, और जितने भी तरीके हैं ऑडियंस तक पहुंचने के हम लोगों ने वो सारे मुकम्मल किए हैं कि हमारी फिल्म ऑडियंस तक पहुंचे। और हमारी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार फिल्म देखिए ज़रूर, इतनी बुरी नहीं है, वन टाइम वॉच लगेगी ही आपको। मैं नहीं कह रहा कि रामगढ़ वो हमने कोई शोले बना दी है या कोई बहुत अच्छी फिल्म बना दी है, लेकिन बुरी नहीं है, कुछ नया देखने को मिलेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको अच्छा लगेगा। एंडी सर, आपका कोई मैसेज है ऑडियंस के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज इनके लास्ट मैसेज पे, और अगर आपका मन बार बार देखने का करे तो बार बार देखिए एडिक्शन, बिकॉज एडिक्शन का भी एडिक्शन होगा आप लोगों को। आई एम कॉन्फिडेंट एटलीस्ट एडिक्शन वर्ड इटसेल्फ प्रेडिक्ट्स एंड इंडिकेट्स दैट यस इट्स एन एडिक्शन। एडिक्शन का एडिक्शन अगर है तो आप देखेंगे ही दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, चौबारा देखेंगे, मल्टीपल टाइम देखेंगे, आप उसको रिकमेंड करेंगे, आप कहेंगे कि फ्रेंड्स दैट इज अ मूवी, गो एंड सी, एंड दैट टाइम आई शैल बी रियली हैप्पी टू मीट आवर डायरेक्टर बर्बाद, राम राजा बर्बाद। वीडियो बोलो जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा मैं पूछना चाहूंगा आपका इस फिल्म में बेस्ट डायलॉग कौन सा है? जो आपने अभी देखा वो आप मुझे मजबूर कर रहे हैं सबके सामने बोलने में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप पर बोलूं। उसके अलावा तो बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि वाकई मेमोरेबल हैं उसमें। कोई कोई जैसे मैंने एक डायलॉग कहा है, तू ये ड्रग्स छोड़ क्यों नहीं देती माया? माया ने कहा मैं खुद एक ड्रग्स हूँ, मैं ये ड्रग कैसे छोड़ दूँ? आई थिंक दैट वॉज द परफेक्ट डायलॉग। एंड देर वॉज वन मोर डायलॉग, देर आर मेनी डायलॉग्स, आई टेल यू इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग आई विल हैव टू नरेट होल मूवी, आई रिमेंबर ऑल द डायलॉग्स ऑफ ऑल द डायलॉग्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एडिक्शन। ये पिक्चर बनने के बाद इनको याद है, शूटिंग के टाइम नहीं याद रहे। यू कैन ये प्रॉब्लम होती है हम लोगों के, शूटिंग के टाइम में प्रॉब्लम ये होती है कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर एंड यू हैव टू परफॉर्म। व्हेन यू हैव टू परफॉर्म यू बैक ऑफ द माइंड में यू थिंक, बट यू हैव टू स्पीक द डायलॉग्स विद फ्लो एंड द एक्सेंट। If you are simply speaking, you are not at all an actor or actress, because we cannot be just